हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में बच्चों आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कक्षा छः के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके हम आंसर की देखेंगे बहुत ही जल्दी देखेंगे बिल्कुल आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको मिलाते चलना है क्यों क्योंकि सेट आपके अलग अलग हो सकते हैं किसी को अलग सेट मिला हो किसी को अलग तो आप सभी जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर देखते चलिएगा बिल्कुल सटीक हंड्रेड राइट सोल्यूशन आपको बताया जाएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है बिल्कुल कम समय में आपको कंप्लीट सटीक सॉल्यूशन यहां पे मिलने वाला साथ ही कंप्लीट आंसर की भी अपलोड कर दी गई है यहां पे आपको बिल्कुल जल्दी से आपको बताया जाएगा तो ध्यान से सुनना है लास्ट तक वीडियो आपको देखना है ठीक है ठीक है स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके जो जूनियर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए उनके लिए हमने नवोदय अल्फा बैच फाइव लॉन्च कर दिया है जिसमें हम नवोदय विद्यालय की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराएंगे ठीक है पांच फरवरी तक ऑफर है याद रखिए पांच फरवरी से क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है साथ में सैनिक स्कूल जिसकी तैयारी आप सभी ने की तो सैनिक स्कूल की आपके जूनियर्स भी होंगे जो तैयारी करेंगे दो के लिए उनके लिए हमने सैनिक अल्फा बैच फॉर लॉन्च कर दिया साथ में कुछ बच्चे होते हैं कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय दोनों की तैयारी कराना चाहते हैं तो उनके लिए हमने अर्जुन बैच लॉन्च कर दिया

नवोदय अल्फा निकल्फा में ठीक है न्यू फाइव हंड्रेड जो कूपन कोड है आप अप्लाई करके पांच फरवरी तक ऑफर का फायदा उठा सकते हैं ठीक है चलिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पर उसको आप मिलाते चलिए क्योंकि हो सकता है सेट अलग हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम ठीक है करना क्या है प्ले स्टोर पर जाके द्रोड स्कूल का आपको ऐप इंस्टॉल करना है वहां पर सभी बैचेस आपको दिख जाएंगे ठीक है नवोदय अल्फा बैच फाइव सैनिक अल्फा बैच फोर साथ में अर्जुन बैच तो वहां पर जाके आप इनरोल कर सकते हैं बैच पे क्लिक कीजिए बाय नो पे क्लिक कीजिए ठीक है बाय नो पे क्लिक करें बाई पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू फाइव हंड्रेड कूपन कोड अप्लाई कीजिए ठीक है न्यू फाइव हंड्रेड कपन कोड अप्लाई होने के बाद जो भी प्राइस है उसमें आपको पांच सौ रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके बाद आप आगे प्रोसीड करके फोन पे गूगल पे या कार्ड यूपीआई किसी के भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं चलिए ठीक है और साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल सटीक बताया जा रहा है ठीक है कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर सिक्स टू सिक्स जीरो थ्री डबल एट थ्री सिक्स वन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हम देखेंगे देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए उसका आंसर क्या होगा ऑफ यहां पे देखते चले ठीक है पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑफ सेकेंड क्वेश्चन अकबर आर्मी तो इसमें आएगा सीज ऑप्शन नंबर कौन सा थ्री सही है ना थ्री सही है तीसरा क्वेश्चन देखिए बस आप सभी को क्या है क्वेश्चन मिलाना है उसका आंसर कौन सा हो रहा है ठीक है यहाँ थ्री हो गया चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन पे चले हम चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग ठीक है गिवेन ऑप्शन थ्री थ्री का अपोजिट तो हो गया यहाँ पे सेफ्टी ठीक है हो गया इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन चले चूज क्या है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन तो इसमें देखिए कौन से स्पेलिंग बिल्कुल आपको करेक्ट है बताने तो ऑप्शन नंबर वन हो गया देखिए सिक्स का देखें तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फोर Seventh question seventh question में अपना answer होगा option number two, ठीक है तो यहाँ पे हमने सात कर लिए तो मिलाते चले हिंदी और इंग्लिश दोनों medium में है ना चलिए इसका eighth question eighth question में अपना क्या क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट क्वेश्चन बस आपको मिलाना है आपको ठीक है क्योंकि अलग अलग सेट होंगे फिल इन द ब्लैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा अपना क्वालिटी और इज ठीक है ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा यहाँ नाइन्थ क्वेश्चन देखें ये वाला जो क्वेश्चन है डायग्राम वाला ठीक है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका देखिए नेक्स्ट पेज पे इसका ठीक है ये पैसेज लिखा हुआ है ठीक है तो दसवें नंबर का क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आपका सिक्स ठीक है सिक्स हो जाएगा आपका आंसर इसका देखिए इलेवंथ नंबर का क्वेश्चन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर हो जाएगा ये वाला देख लें बड़ा सा क्वेश्चन है ना चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़े ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन आगे हमारे स्क्रीन पर चूज द करेक्ट ऑप्शन तो इसमें आ जाएगा कितना टू फिफ्टी आवर्स ठीक है ना एक वाला क्वेश्चन देख लें आप आपको बस आंसर मिलाते हुए चलना है बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर लेंगे इसमें आंसर आपका हो जाएगा नाउन हो जाएगा यहां आंसर ठीक है फोर्टीन नंबर देखें यहां आंसर हो जाएगा आपका थीन हो जाएगा ठीक है थीन हो जाएगा अब देखिए आगे फोर्टीन नंबर हो गया कंप्लीट फिफ्टीन की बारी है यहां हो जाएगा आपका आंसर हाई ठीक है बस आप क्वेश्चंस देखें यहां पे बहुत क्लियर आपको दिख रहा है सब कुछ आंसर आप यहां देखते चलें ठीक है यहां पे हो जाएगा मोर सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन में इमेजनरी आपका आंसर होगा ठीक है एटीन नंबर का क्वेश्चन देखें आप ठीक है इसमें हो जाएगा चूज द करेक्ट स्पेलिंग तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन ठीक है उन्नीस नंबर नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा टी एच ई आई ट्वेंटी है में है आपका आंसर नीड आई क्वेश्चन मिला है ना आपको जो मैं बोल रहा हूं यहां पे उसको तो मिला ही रहे साथ में आपको क्या करना है क्वेश्चन मिलाते हुए चलना है चलिए अब अब बारी है ट्वेंटी सेकेंड यानी बाईस नंबर क्वेश्चन इसमें स्टॉप आपका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री में देखें बर्ड्स फ्लाई ट्वेंटी फोर में देखें वेदर आपका आंसर है ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ में देखें नंबर में द आपका आंसर है देखिए इंग्लिश हमने कंप्लीट कर लिया इंग्लिश कंप्लीट हो गया चलिए अब बारी है किसकी हिंदी की हिंदी की बारी आ गई भाषा के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन मिलाते चलना आपको बार बार बोल रहा हूँ ना मैं सेट अलग अलग हो सकते हैं आपके ठीक है यहाँ देखिए शुद्ध वर्तनी का जैन तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है ठीक है इसमें सेकेंड क्वेश्चन में हमारा उनकी सही है थर्ड क्वेश्चन में छोड़ चुका था थर्ड ऑप्शन में हमारा थर्ड सही है ना फोर्थ तो में देखें फोर्थ तो में हमारा चौथा ऑप्शन सही है फिफ्थ क्वेश्चन ट्रेन अचानक से रुक गई सेकेंड ऑप्शन सही है ठीक है अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा डाउट आया था अकर्मक क्रिया वाले सब तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों को डाउट आ रहा है सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में ठीक है लेकिन हमको जाना इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश में इस क्वेश्चन का हमने आंसर कर लाया था बर्ड्स फ्लाइट आकर्मक क्रिया की बात हो रही है ठीक है तो हम इंग्लिश को बेस मान के इसका आंसर इसमें भी क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ठीक है इंग्लिश को बेस मान के यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो क्वेश्चन है क्योंकि जो चीजें इंग्लिश में थी उसी को यहाँ ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको दे दिया गया है ना ठीक है अब सेवंथ नंबर का क्वेश्चन देखें इसमें हो जाएगा आपका की छोटा की है ना चलिए अब आठवें नंबर के क्वेश्चन में आते हैं ठीक है उचित उपपद की सहायता से वाक्य पूरा करें तो इसमें आपका आएगा ही आंसर आ जाएगा नाइन्थ देखें उचित पुरुष सर की सहायता से तो इसमें से आंसर आ जाएगा ठीक है टेंथ का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री इलेवेंथ का आंसर है बेकार प्रयास करना ठीक है देखते चले क्वेश्चन मिलाते चले और आंसर क्या आ रहा है बिल्कुल बताएंगे बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे ठीक है इसका धमकी धमकी का विपरीत पूछा है विलोम शब्द सुरक्षा इसका देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने तो इसमें आ जाएगा जीविसा ठीक है ऑप्शन नंबर वन पद्धत शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना क्षमाशीलता का हो जाएगा प्रतिशोध ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसके बाद देखिए पद्धत विकल्पों में से उचित उपपद का चयन करें इसमें हो जाएगा आपका आंसर एक ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सिक्सटीन नंबर के क्वेश्चन में सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन देखिए सूर्य पश्चिम तो इसमें क्या है क्या है वर्तमान काल है रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें गुणवत्ता है आपका देखिए है गुणवत्ता है और है दो है लेकिन इसमें आंसर आएगा है।, है है नहीं ना बिंदी नहीं लगेगी ऑप्शन वन आपका सही है ठीक है आप देखिए फिर से आपका क्या गद्यांश आ गया गद्यांश को आप सभी को पढ़ लेना है मैं आपको आंसर बताता जा रहा हूं क्योंकि आपको आंसर की मिलाना है क्वेश्चन मिलाते हुए चले चलिए क्वेश्चन है अठारह नंबर का इसका आंसर क्या है छ स्वेटर ठीक है इसके बाद देखिए बड़े से क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर वन अब चलिए बारी है ट्वेंटी क्या क्वेश्चन है इसमें आ ढाई सौ घंटे आवर्स ठीक है इसके बाद देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड बाईस नंबर का है पतले ठीक है पतले ठीक है ना यहाँ पे पतले हो गया चलिए यहाँ पे हो गया पतले ठीक है तेईस नंबर की बारी है हमारी तेईस नंबर पे क्या आंसर आ रहा है आपका इसमें आ जाएगा ऊंचा इसका आंसर है तेईस नंबर क्वेश्चन का ऊंचा

ठीक है विपरीत के क्या वास्तविक विपरीतार्थक उल्टा शब्द तो इसमें आ जाएगा काल्पनिक ठीक है काल्पनिक आ जाएगा ठीक है अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर दो ठीक है यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया हिंदी और इंग्लिश दोनों आप सभी मिला लीजिएगा साथ ही आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बता दू ठीक है जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने नवोदय अल्फा बैच फाइव जो बच्चे सैनिक स्कूल नेक्स्ट ईयर 2025 की तैयारी करना चाहते हैं ठीक है उनके लिए हमने सैनिक अल्फा बैच फोर लॉन्च कर दिया है जिसमें क्लासेस आपकी अगर बात करें हम नवोदय विद्यालय की तो पांच फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है और सैनिक अल्फा बैच में दस फरवरी से लेकिन ऑफर की लास्ट डेट देखिए ऑफर की लास्ट डेट क्या है पांच फरवरी ठीक है अर्जुन जो बैच है हमारा इसमें हम नवोदय ठीक है नवोदय और सैनिक ठीक है दोनों की कंबाइन तैयारी कराएंगे हमारा क्या है रिकॉर्डेड बैच रहेगा ठीक है इसमें सब चीजें आपको एक बार बाकी दोनों जो बैचेस हैं वो क्या है शेड्यूल बैच है इसमें आपको याद रखिए ज्वाइन करने से पहले कि इसमें ऑफर की लास्ट डेट क्या है पांच फरवरी पांच फरवरी से पहले पहले इनरोल करते हैं तो आपको पांच सौ रुपए का विशेष डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है आपके लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का आपको ऐप इंस्टॉल करना है ठीक है द्रोड स्कूल का आप ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल लिखिए वहां आपको मिल जाएगा द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए उसके बाद आपको लॉग इन कीजिए नॉर्मल आपको सभी कोर्सेज दिख जाएंगे उस पर क्लिक करके आप नॉर्मल बैच के बारे में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वहाँ डेमो लेक्चर से देख के बाय नाप पे क्लिक करके आप ऑफर तो आप का फायदा उठाकर कोर्स में इनरोल कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको तैयारी कराएंगे ठीक है चलिए अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था हिंदी कंप्लीट कर लिया था हिंदी के बाद अब बारी किसकी है अब बारी है आपकी किसकी मैथ्स की ठीक है मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे इससे पहले हम देखें देखिए हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया ना हिंदी अब चलिए मैथ्स की बारी है चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या और तीन अंकों की सबसे छोटी तो आप सभी को बार बार बता रहा हूं मैं कि आपको क्वेश्चन देखना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा फोर ठीक है इसके बाद अट्ठाइस नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर टू उन्तीस नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है इसके बाद देखिए तीस नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री इकतीस नंबर के क्वेश्चन का आंसर थर्टी वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ठीक है इंग्लिश में भी देखें इसमें इंग्लिश में देखें तो वही क्वेश्चन है देखें जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका थ्री इंग्लिश वाले भी देखिए वही ठीक है इसके बाद देखें इसमें हिंदी वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश ऑप्शन बस केवल क्या क्या हिंदी और इंग्लिश का फर्क है बाकी ऑप्शन सिक्वेंस सेम है क्वेश्चन सेम है बस हिंदी का फर्क है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है अपना ऑप्शन नंबर फोर ट्वेंटी एट का देखें तो इसमें कौन सा आंसर आ जा रहा है आपका सेकेंड ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ में देखें तो ट्वेंटी नाइन्थ में आपका आंसर कौन सा आ जा रहा है थर्ड आंसर आ जा रहा है ठीक है और इसमें देख लें हम इसके बाद ठीक है इसके बाद थर्टी नंबर का क्वेश्चन देखें इसका आंसर हो जाएगा अपना थ्री और जो थर्टी वन नंबर का आंसर है उसका आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड ठीक है अब हमने देखिए थर्टी वन क्वेश्चन कर लिए चलिए अब बारी है किसकी किसकी बारी है आप देखिए थर्टी टू नंबर के क्वेश्चंस की बारी है ना चलिए अब देखिए हिंदी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने चलेंगे हम ठीक है निम्न में से संख्या एक सौ निन्यानवे का रोमन अंकों में सही निरूपण करना है हमको ठीक है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखें इसका आंसर कौन सा हो रहा है सी तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे इसमें भी हो जाएगा अपना थर्ड थर्ड या सी जो बोल लीजिए आप थर्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन देखिए इसमें हो जा रहा है अपना ऑप्शन नंबर वन करेक्ट और इसमें देखिए हम इसमें भी ऑप्शन नंबर वन अपना करेक्ट है है ना चलिए सॉल्यूशन जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है वो वीडियो अपलोड कर दी गई है लाइव आपको बताया गया यहां हमको जल्दी से आंसर की देख के कंप्लीट करना है ठीक है थर्टी फोर्थ का आंसर देखिए तो इसमें आ जाएगा सिक्सटीन इंग्लिश में देखें तो इसमें भी आ जाएगा यहां पे सिक्सटीन है ना थर्टी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में देख रहे हैं हम ठीक है थर्टी इसके बाद थर्टी नंबर यानी पैंतीस नंबर के क्वेश्चन का आंसर है थर्टी ठीक है और इसमें जो है थर्टी नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है थर्टी ठीक है थर्टी जो आंसर है है ना चलिए इसके बाद ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है हिंदी इंग्लिश दोनों में लगा हुआ है आप देख लेंगे आराम से बिल्कुल ठीक है थर्टी सेवन नंबर के क्वेश्चन में आ गए हम तो इसमें कौन सा देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है इसमें तो देखिए पूरे पेज में आ जा रहा है ना इसका अपना कौन सा आंसर सही है ऑप्शन नंबर है ना अब देखिए इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते चल रहे हैं इंग्लिश में देखिए हिंदी में टिक लगा हुआ है इंग्लिश में मैं लगाते जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर टू इसमें सही हो गया ठीक है अब देखिए बारी है क्वेश्चन की क्वेश्चन 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 में अपना आंसर है ऑप्शन नंबर टू। नंबर का देखिए इसमें आंसर है अपना कौन सा ऑप्शन नंबर टू ठीक है इसका फोर्टी वन नंबर का क्वेश्चन है अपना कौन सा ऑप्शन नंबर थ्री है ना चलिए आप देखें आगे फोर्टी टू नंबर का क्वेश्चन इसका इसका आंसर क्या है अपना वन फोर्टी फोर अपॉन सिक्सटी फाइव ठीक है आप सभी को क्वेश्चन मिलाते हुए चलना है चलिए अब आगे बढ़े ठीक है अब देखिए जो जसपाल वाला क्वेश्चन है इसमें आंसर क्या आ जाएगा बारह परसेंट ठीक है सम कोड देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको इसका नाइन्टी नाइन डिग्री आ जाएगा इसका देखें कि सम कोड के आधे के तीन गुणों का संपूरक होगा तो इसमें क्या आ जाएगा केवल ए और डी आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है इसमें आ जाएगा देखिए आकृति का एक्स का मान पूछा है तो नाइन एट आ जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना कि हमको हिंदी में नहीं दिया गया इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है ठीक है फोर्टी सेवन नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सात ऑप्शन नंबर थ्री फोर्टी एट नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिफ्टी वन किलोग्राम ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ यही ठीक है फोर्टी नाइन नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना सेकेंड ठीक है क्या हो जाएगा सेकेंड अपना आंसर हो गया इसका देखिए फिफ्टी नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एट्टी फाइव क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिलाते चलिए अच्छे से ना आपको मिलाना है और कितने नंबर आ रहे हैं लास्ट में आपको लिखकर जरूर बताना है साथ में जो नए बेस्ट से रेटेड जो इंफॉर्मेशन दी उसको अपने छोटे भाई बंधु को बताइए और ताकि रिकमेंड करें कि किस तरीके से हमने उनको आपको पढ़ाया जैसे आप पढ़ेंगे उसी तरीके से हम उससे नए फीचर के साथ आपके जूनियर्स को पढ़ाएंगे और उनका अच्छा और अच्छा रिजल्ट आएगा आपके ऊपर मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत हम करेंगे तो उनको बताइए किस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्टी नंबर के क्वेश्चन इसका आंसर है जीरो थ्री ऑप्शन नंबर कौन सा थ्री आपका आंसर हो गया ठीक है चलिए फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन देखिए इसमें सेवेंटी आपका आंसर हो गया ठीक है इसका क्या है फिफ्टी थ्री नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी सी ओनली ठीक है सी इसके बाद फिफ्टी फोर नंबर का क्वेश्चन देखिए चौवन नंबर इसमें हो जाएगा चौतीस ये हो जाएगा थर्टी फोर ठीक है पचपन नंबर सोलह सौ पैंसठ यहां हो जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ठीक है चलिए अब बारी है छप्पन नंबर के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे देखेंगे बार बार बोल रहा हूँ मैं ना अगल बगल दोनों है ठीक है तो पहला ऑप्शन नंबर वन हो गया ठीक है इसके बाद देखिए सिक्स यहाँ सिक्स यहाँ आंसर हो गया ठीक है फिफ्टी एट नंबर का देखें 64, 64 हो गया यहाँ पे इसमें आंसर हो गया पांच सौ छिहत्तर और यहाँ हो गया फिर से यहाँ पे पांच सौ छिहत्तर है ना अब देखिए इसके बाद सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन देखिए वस्तुओं तो का मूल्य पूछा तीन वस्तुओं तो का मूल्य तो यहाँ पे देखिए ये हो गया चौथा नंबर का और इंग्लिश में देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश में कितना हो गया ये चौथा ठीक है कंप्लीट हो गया चलिए आगे बढ़े अब आगे बढ़ते हैं

यहाँ पे जो है ये बात हो रही है कि प्लस जी एक साथ है या फिर एफ और जी बिल्कुल अलग अलग है ये यह यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक है इसीलिए क्या होगा अगर जिन बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया तो वो तो बिल्कुल सही है इसलिए हम ऑप्शन ए को सही मानेंगे लेकिन जो फोर वाला है उनके भी डाउट है कि इसमें ऑप्शन नंबर फोर भी आ सकता है लेकिन वो क्लियर होने के बाद जब आंसर की आएगी तो उसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा आंसर की में ठीक है एनटीए पब्लिश करेगी आंसर की ठीक है तो इसमें हो जाएगा चौथे नंबर का आंसर चलिए आगे बढ़े ठीक है चलिए इसमें यहां पे ठीक है तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर वन डी वाले जब जो डाउट के लिए मैंने बताया ना अगर ये अलग अलग होगा तब तो सही है लेकिन एक साथ हो जाएगा तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा ना ठीक है तो इसमें हमने जिन क्या कौन सा आंसर माना है ऑप्शन नंबर वन चलिए सिक्सटी टू देखें सर उस कोड का मान बताइए ठीक है तो इसमें आ जाएगा सम कोड राइट एंगल ठीक है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी कितना है 63 तो इसमें आ जाएगा बिसम बाहु और समकोण त्रिभुज तो यहाँ भी आ जाएगा क्या इस, एन एन राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है 63 हो गया 64 देखिए इसमें आ जाएगा अपना 30 हजार 31000 31 ठीक है ना इसके बाद देखिए चलिए ठीक है बच्चों तो इसका आंसर देख रहे हैं तो इसमें क्या आ गया अपना

सही है लेकिन अगर ये दोनों प्लस है मतलब दोनों एक ही है मतलब प्लस दोनों एफ प्लस जी है तो बच्चे भी सही हो सकते हैं ठीक है ना चलिए तो ये क्वेश्चन में डाउट आपको नहीं होना चाहिए चलिए अब बारी है सिक्सटी सिक्स की इसमें आंसर हो गया आपका अड़तालीस सेंटीमीटर अड़तालीस सेंटीमीटर ठीक है थ्री आ गया इसमें पिंकी अस्सी मीटर और इसमें पिंकी आ गया आपका अस्सी मीटर ठीक है सड़सठ हो गया अड़सठ नंबर देखें अड़सठ नंबर में आपका पचास आ गया इधर भी इंग्लिश में पचास ठीक है उनहत्तर नंबर देखिए यहां भी पचास यहां भी पचास ठीक है सत्तर में देखिए यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी हो गया आपका अट्ठाइस ठीक है ना इसके बाद आगे बढ़े चलिए इकहत्तर नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एट्टी फाइव आपका आ जाएगा इंग्लिश में भी देख सके तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा एट्टी फाइव ठीक है अब देखिए वह संख्या जिसका बीस प्रतिशत इसका पचास आ जाएगा इंग्लिश वाले भी अच्छे देखिए पचास ठीक है क्लियर ठीक है यहाँ पे देखिए तीन आ रहा है यहाँ भी आ गया तीन क्वेश्चन मिलाते हुए चलना है ना हिंदी और इंग्लिश वालों को ऐसा नहीं कि सेट तो अलग अलग हो सकते हैं तो आपको क्वेश्चन देखना क्योंकि क्वेश्चन आपके सभी के बिल्कुल सेम टू सेम है बस क्या सेट के हिसाब से आगे पीछे कर दिया गया है ठीक है ना क्योंकि बच्चे साथ में बैठते हैं तो सबका आगे पीछे तो होना चाहिए ना सबका सेम सेट कर देंगे तो बच्चे तो चीटिंग कर सकते हैं ना तो बिल्कुल चीटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी यहाँ पे है ना इसका आंसर हो गया 131 थर्टी वन यहाँ भी 131 ठीक है इसका हो गया एक सौ दशमलव छः इसका वन फोर्टी वन फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्स है ना चलिए अब बारी है किसकी अब बारी है हाँ पे इंटेलिजेंस की चलिए बुद्धिमता के दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखेंगे बस इसका थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको समझा रहा लिखा है क्लॉक जिस प्रकार से रिलेटेड है समय से मतलब जो घड़ी होती है हमें समय दिखा दिया थर्मामीटर क्या तापमान के लिए यानी टेम्परेचर के लिए यूज होता है ठीक है चलिए इसके बाद लिखा है सी का जो रिलेशन तीन से है तो एल का किससे होगा तो बारह से क्योंकि सी की प्लेस वैल्यू थ्री एल की प्लेस वैल्यू बारह ठीक है तो यहाँ बारह आंसर हो गया चलिए आगे बढ़े यहाँ शेर गुफा में रहता है तो घोड़ा कहा रहता है 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 लायन डेन में रहता है, तो हॉर्स किस में रहता है स्टेबल यानी कि अस्तबल में ठीक है इसमें देखिए फिर एनोलॉजी का क्वेश्चन है कि जो सर्कल है वो अंदर है और ट्रेंगल जो बर्फी वाला सेप है लाइनिंग के साथ अंदर और जो स्क्वायर हो बाहर हो जाएगा तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा ठीक है इंग्लिश हिंदी दोनों देखेंगे बिल्कुल सेम सिक्वेंस में ऑप्शन है बस क्या है आपके जो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं सेट के हिसाब से चलिए अब इसमें देखिए अस्सी नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा इंग्लिश हिंदी दोनों देख लें ठीक है चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें अस्सी में इसका इक्यासी नंबर देखें इक्यासी नंबर का क्वेश्चन है इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है देखें इसमें हो जा रहा है आपका सेकेंड ठीक है सेकेंड आपका सही हो जा रहा है इसका बयासी में देखें इसमें स्टिक इस इसमें आ जाएगा स्टिक आपका आंसर ठीक है चलिए तिरासी नंबर फोर्टी थर्ड में चले एट्टी थर्ड में चले ठीक है एट्टी थ्री नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ठीक है यहां भी सी देख लें इसके बाद जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपको अलग से बताया जा रहा है यहां केवल आपको आंसर की मिलाना है जल्दी से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 125 में से आप कितने सही कर रहे हैं इसमें भी देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है ठीक है ना तो कौन सा क्वेश्चन था ये एटी इसका देखिए एट्टी में आए तो एटी में आपका कौन सा सही है देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे देख लेंगे इसमें क्या है आपका थ्री नंबर का ऑप्शन सही है ठीक है इसमें देखिए इम्बाइडेड फिगर का क्वेश्चन है तो इसमें ये वाला सही है इंग्लिश में भी देख लें ये वाला सही है ठीक है इसमें आपका सात सही है इसमें भी देखिए सेवन सही है ठीक है ना चलिए इसके बाद आगे बढ़े एटी एट नंबर का क्वेश्चन देख लें आप देखिए है एटी एट नंबर का क्वेश्चन देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू ठीक है यहां पे देखिए बिल्कुल अलग पहचानना था तो भोजनालय सबसे अलग है बाकी जगह तो पढ़ाई होती ना, है ना विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय ठीक है, है तो यहाँ भोजनालय में क्या खाना खाया जाता है ना खाना खाने जाते हैं आप सभी चलिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर वन सही है इसमें देखिए क्या सेवेंटीन सही है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा डेली जब क्वेश्चन डाले जाते हैं ना आपके लिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं बिल्कुल सेम टू सेम ठीक है इसमें देखें सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही है इसमें भी सेकंड ठीक है यहां पर देखना है आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन है इसमें सी सही है इसमें भी अपना सी सही है ठीक है सी यानी कि थर्ड ऑप्शन ठीक है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहां भी ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे पे सही है यहां पे भी देखिए आप सभी क्या है आर्ट सही है बिल्कुल है ना चलिए अब बारी है नाइनटी सिक्स क्वेश्चन की देखिए कितनी जल्दी जल्दी हम सोल्व करें आप मिला के बताइए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसमें आपका छह आंसर आ रहा है यहाँ भी छह एनालॉजी के क्वेश्चन समझिए एनालॉजी के क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन और ऑड मैन आउट के क्वेश्चन केवल केवल यही आया है और कुछ भी नहीं आया ठीक है जो पढ़ाया वही आया ठीक है ना चलिए इसमें देखिए सबसे अलग आपको बचाना इसमें ऋतु आ जाएगा यहाँ सीजन आ जाएगा ठीक है यहां पे आपका वन थर्टी फाइव आ जाएगा यहाँ वन थर्टी फाइव आ जाएगा तो इस क्वेश्चन में बच्चे कुछ डाउट कर रहे थे कि यहाँ पे वर्ग संख्या है बाकी नहीं है तो देखिए आप सभी को जो सबसे पहले आंसर दिख रहा है सिंपल से जो करेक्ट आंसर तो इसमें वन थर्टी फाइव होगा ठीक है बाकी जो आंसर की एन टी ए पब्लिश करेगी उसके अनुसार क्या है उसमें आपको मौका दिया जाएगा कि आपके अनुसार आंसर जो होगा उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके आप भेजिए ठीक है।, है ना अन्य से भिन्न इसमें ऑप्शन नंबर वन अलग होगा सबसे और इसमें आपको क्या करना है भिन्न बताना है सबसे तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका आंसर है ठीक है ना ऑप्शन नंबर थर्ड कौन क्या है आपका आंसर है ठीक है तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि देखिए हम आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन बता रहे हैं तो उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें क्लासेस पांच फरवरी से स्टार्ट हो रही है पांच फरवरी तक बिल्कुल इसमें पांच सौ रुपए का ऑफ है तो आप सभी डेट से पहले इनरोल कर लीजिए उसमें साथ ही सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए देखिए बैच लॉन्च कर दिया है दस फरवरी से क्या है क्लासेस स्टार्ट हो रही है पांच फरवरी तक ऑफर है पांच सौ रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा पांच फरवरी के बाद वही चीज आपको फिर से ज्यादा मिलेगी बहुत ही अच्छी ढंग से हम पिछले पांच से छह साल से लगातार बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं बहुत अच्छे से हर मतलब जुड़े रहते हैं उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं लगातार बच्चे जुड़ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा कर रहे हैं ठीक है लगातार इसीलिए बच्चे जुड़े हुए तो आप भी उन्हें रिकमेंड कीजिए आप सभी छोटे भाई बहन होंगे आपके जूनियर्स होंगे किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं द्रोड़ स्कूल से ठीक है साथ ही जो बच्चे कंबाइंड तैयारी करना चाहते हैं कुछ बच्चे होते हैं ना जो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल उनके लिए हमारा

ऑप्शन कर सके अगर मान के चलिए दो ऑप्शन गूगल पे और रेजर पे का ऑप्शन आया तो आपको गूगल पे पे क्लिक नहीं करना रेजर पे पे क्लिक करना है रेजर पे पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है अगर आए तब की बात मैं आपको बता रहा हूं ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे हमने इंटेलिजेंस कर लिया था चलिए अब इंटेलिजेंस के बाद बारी है हमारी किसकी इंटेलिजेंस के बाद बारी है अब जीके की चलिए जीके सामान्य ज्ञान मिलाते चलिएगा बिल्कुल जो पढ़ाया बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चन आए इसमें देखिए पहले क्वेश्चन में आंसर है पेट्रोल ऑप्शन नंबर वन है ना इसका देखिए इसमें मांसाहारी व्यंजन आ जाएगा मांसाहारी व्यंजन इसका देखिए इसमें मेढक आपका आंसर है यहां देखिए मेढक ठीक है इसके देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बीस मीटर आपका आंसर आएगा कितना आएगा बीस मीटर है ना चलिए आगे बढ़े अब आगे बढ़े तो देखिए पांडव के सबसे बड़े भाई का नाम पूछा तो यहां भी कंफ्यूज होंगे यहां पर ये नहीं पूछा कि माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र यहां पूछा गया है क्या

इसका खूटी क्या मवेशी को बांधने के लिए लोहे का खंबा आयरन पोल टू टाई कैटल इसमें आ जाएगा वास्तविक रीत का जो कॉन्सेप्ट था वो आ जाएगा ठीक है इसमें आ जाएगा केचुआ यहाँ भी आ जाएगा अर्थ केचुआ है ना 115 नंबर देखें इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए तो इसमें फैट और क्या आ जाएगा आपका फैट और कार्बोहाइड्रेट है ना एक, एक सौ सो, सोलह नंबर का देखें 116 सो, नंबर का मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चलना कठिन होगा ठीक है पहाड़ी रास्ते जो पथरीले और उबड़ खाबड़ होते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा आपका क्या बी मतलब बी मतलब सेकेंड ठीक है इसका देखिए इसमें हैदराबाद चार मिनर का है। हैदराबाद आपका आंसर है इसके बाद रिवोल्यूशन पीरियड तो आपका तीन सौ पैंसठ सही एक बटे चार तीन सौ पैंसठ होल वन बाई फोर चलिए एक सौ उन्नीस नंबर का क्वेश्चन देखिए कितनी जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको इसमें आ जाएगा आपका थर्मोमीटर ठीक है थर्मोमीटर आ जाएगा इसमें देखिए थर्मोमीटर आ जाएगा आपका ठीक है भारतीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र में कुल कितनी तिलिया होती है तो चौबीस तिलिया होती है आपको बताया ट्वेंटी फोर ठीक है रामायण के रचयिता कौन है रामायण के रचयिता कौन है वाल्मीकि ठीक है आपको मैंने बताया ना यहाँ पे रामायण के रचयिता कौन है वाल्मीकि ठीक है ऑप्शन नंबर है हो गया वन यहां पे सही हो गया ठीक है यहां पे हमने कर लिया इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए एक सौ बाईस नंबर क्वेश्चन में नमक और चीनी आ जाएगा आपका यहाँ पे ठीक है नमक और चीनी सॉल्ट एंड शुगर यहाँ पे क्या होगा एडिंग प्रिजर्वेटिव ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बीजे को किटोस बचाने की यहाँ नीम आ जाएगा 124 नंबर का नीम ऑप्शन नंबर वन ठीक है इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए हम निम्न में से किस काम के लिए एक बार प्रयुक्त ली गई पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे से तो आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सैनिक स्कूल क्लास सिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है जो अट्ठाइस जनवरी को आपका एग्जाम हुआ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को मिलाना है दोनों क्वेश्चन की बिल्कुल मिलाना है, और जो क्वेश्चन तो और लास्ट में आपको बताना कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं कट ऑफ से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी तो एक बार आपको फिर से मैं बता दूं कि जो बच्चे भी नेक्स्ट ईयर के लिए 2025 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी मैथ्स मेंटल लैंग्वेज सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, समय से होगा, और ये सबसे पहला बैच है ना नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए तो इसमें आपको ज्यादा समय मिलेगा तैयारी के लिए तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका रहेगा आपका सिलेक्शन का है ना चलिए और सैनिक स्कूल के लिए भी देखें तो क्लासेस दस फरवरी स्टार्ट होगी लेकिन ऑफर की लास्ट डेट है पांच फरवरी पांच पर क्या पांच सौ रुपए का स्पेशल आपको डिस्काउंट पाना है तो पांच फरवरी से पहले इनरोल कर लीजिए ठीक है सैनिक अल्फा बैच फोर इसमें सभी सब्जेक्ट मैथ्स जीके जीआई लैंग्वेज आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए जाएंगे साथ ही एक देखिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है अर्जुन बैच जिस जो जिसमें आपको नवदय विद्यालय सैनिक स्कूल दोनों की कंबाइन तैयारी कर लीजिए रिकॉर्डेड बैच है बाकी जो दोनों बैच है हमने सैनिक अल्फा और जो अल्फा ये दोनों है शेड्यूल बैच है जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है उस तरीके की होगी यहाँ रिकॉर्डेड आपको सब चीजें एक बार में दे दी जाएंगी कहाँ अर्जुन बैच में ठीक है तो आपको याद रखना है पांच फरवरी ऑफर की लास्ट डेट है इसमें आप इनरोल करके आप पांच अपने बचा सकते हैं डिस्काउंट क्योंकि आपको पढ़ना ही है तैयारी अगर करनी है तो आपको इतना नहीं सोचना है आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए और ऑफर के फायदे के साथ अगर आप इनरोल कर लेंगे तो और अच्छी बात होगी ठीक है याद रखना है कूपन कोड न्यू फाइव हंड्रेड करना है ठीक है साथ में उनके टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं जहां बच्चे अपने डाउट भेजते हैं देखिए नवोदय अल्फा बैच फाइव और सैनिक अल्फा बैच जो फोर है अपना ठीक है उसमें वीकली डाउट सेशन होंगे बच्चों के डाउट लिए जाएंगे अच्छे से उनको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा ना वीकली डाउट सेशन की सुविधा है उसमें आपको पांच मॉडल पेपर पांच मॉक टेस्ट दिए जाएंगे ताकि बच्चों की कंप्लीट तैयारी हो सके ठीक है ना तो इसके बारे में मैंने आपको पूरा देखिए बता दिया जो भी जितनी भी जानकारी थी जितना भी पूरा हमने आंसर की देख लिया तो आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिख कर बताना है साथ में जिन बच्चों ने यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्वेश्चन जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है रिजल्ट कब आएगा कट ऑफ ठीक है एग्जाम एनालिसिस सब कुछ आपको सबसे पहले पता चल सके ठीक है ना ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में